हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री में जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हेड हेड इंजरी के ऊपर, मतलब सिर में चोट लगने का। हम कैसे अपना हाथ देख के जान सकते कि हमारे हाथ में सिर में चोट लगने का चांसेस है या नहीं है, और आप अपनों का भी हाथ देखकर उनको अलर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इसमें साइन होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये हमारी कहलाई जाती है हेडलाइन, ठीक है? ये हमारी होती है हेडलाइन, थोड़ा ये हमारी हेडलाइन, इसे हम कहते हैं हेडलाइन, मतलब मस्तिष्क रेखा। अगर हमारे मस्तिष्क रेखा पर जुपिटर माउंट के ऊपर, ये हमारा जुपिटर माउंट कहलाता है, यानी बृहस्पति का पर्वत होता है जुपिटर, ये हमारा जुपिटर माउंट कहलाता है। तो अगर जुपिटर माउंट के नीचे कहीं भी हमारा द्वीप बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, इस तरह कोई द्वीप बना हुआ है ऊपर की साइड या नीचे की साइड में, ऐसे कोई द्वीप बना हुआ है, तो ये हमारा हेड इंजरी, मतलब सिर में चोट लगने का चांसेस बताता है। और ये चोट कैसे लगेगी कि आप अब कहीं गिर सकते हैं, गिरने की वजह से आपको सिर में चोट लगने का चांसेस होता है इसमें, अगर जुपिटर माउंट के नीचे आपका आइलैंड द्वीप बना हुआ है। ये मैंने ज्यादा ऊपर हो गया है, थोड़ा नीचे की तरफ भी होता है ये। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि अगर यही हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, अगर इसमें ये हमारा सैटर्न माउंट होता है, मतलब शनि का होता है, ये सैटर्न माउंट कहलाता है, यानी शनि पर्वत। अगर शनि पर्वत के नीचे, ये हमारा शनि पर्वत आता है, यहाँ शनि पर्वत के नीचे अगर हमारा कोई आइलैंड बना हुआ है, ऐसे इधर कोई जाके ऐसे बना हुआ है, शनि पर्वत के नीचे आ रहा है ये आइलैंड, तो ये भी हमारा एक तरह का सिर में चोट लगने का, कुछ ना कुछ मतलब माइंड डिस्टर्ब रहने की वजह से, आप माइंड में डिस्टर्ब भी रहेंगे तो कुछ मेंटल आपको प्रॉब्लम हो सकती है सिर से रिलेटेड कोई भी। और इसके बाद में अगर हमारा, ये मैंने आपको बताया था, ये बृहस्पति का माउंट होता है, इसको जुपिटर कहते हैं, जुपिटर माउंट। अगर जुपिटर माउंट के ऊपर हमारे यहाँ कोई नेट बना हुआ है, मतलब जैसे जाल सा बना हुआ है, जाल बना हुआ है या क्रॉस का निशान है, तो ये भी हमारा क्या कहते हैं हेड इंजरी को बताता है। अगर इस तरह का आपका बृहस्पति पर्वत पर कोई जाल बना हुआ है, ऐसे कई से जाल बना है या क्रॉस का निशान है, तो भी ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि सिर का आपको चोट का चांसेस है। और लास्ट इसमें आता है कि आपकी ये जो हेडलाइन है, जैसे हाथ में दी हुई है, अगर ये हेडलाइन टूटी हुई है, ये हमारी हेडलाइन गई, या कहीं से ये बीच में ब्रेक आया फिर ये ऐसे चली, तो अगर इस तरह से ये भी टूटी हुई होती है तो ये भी हेड इंजरी को करती है, इंडिकेट करती है। तो ये टॉपिक था हेडलाइन के ऊपर कि आप अपना हाथ देख के और अपनों का हाथ देख के जान सकते हैं कि हमारे हाथ में सिर में चोट लगने का या कुछ मेंटल प्रॉब्लम होने का चांसेस है या नहीं।